नैनीताल में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार को नगर निगम की ओर से सरकारी संपत्ति पर कथित धार्मिक स्थल को ध्वस्त किए जाने के बाद शाम को उपद्रवियों ने इलाके में तोड़फोड़, आगजनी और लोगों पर हमले कर दिए थे, जिसमें उपद्रवियों ने काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हालात बेकाबू होता देख उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश के साथ कमान सेना को सौंप दी गई थी, जिसके बाद से हालात पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने इस हिंसा में करीब 6,000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें 19 नामजदों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस बनभूलपुरा हिंसा का अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड मान रही है। इस हिंसा को लेकर आज नैनीताल जनपद के SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। अब तक पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की है, जिनमें अब तक 5 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। वहीं मीडिया के सवाल पर SSP ने बताया कि किसकी मौत कैसे हुई, ये अभी जांच का विषय है। उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स जो है डिप्लॉय किया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो निगम स्थल है वहाँ से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकले थे, हालांकि पत्ता वहाँ हुआ था। लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ है थाने का घेराव और वहाँ पर जो हुआ है जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उपद्रव तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूँकि भारी संख्या में उपद्रव थे, पुलिस का काफ़ी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथरा हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा, तो इस दौरान ये घटना हुई। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहर उसको कब्जे में लिया और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसने अपने ही बनभूलपुर अपनी जो मैन पावर थी उससे शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में और बनभूलपुरा में जो नियंत्रण है वो भी पाया स्थिति।